वर्तमान समय पर पूरे विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण पर बृहत कार्य हो रहे हैं। जैसा कि गायत्री परिवार में कहा जाता है कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, इसको ध्यान में रखते हुए शारदा विहार परिसर में भी पर्यावरण संरक्षण पर विभिन्न कार्य हो रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि इस पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन हो, इसके लिए हम कुछ छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं। सर्वप्रथम हमने अपने परिसर को पॉलीथीन मुक्त परिसर बना दिया है। इसके पश्चात यदि हम जल संरक्षण और भूमि संरक्षण और संवर्धन की बात करते हैं, तो हमने हमारे जो कृषि प्रक्षेत्र क्षेत्र है उनमें हमने रासायनिक खादों का उपयोग करना बंद कर दिया है। हम शारदा विहार स्वच्छता का काम देखते हैं, हमारे साथ में 7-8 कर्मचारी काम करते हैं, जो कि हमारे यहाँ कूड़ा कचरा जो भी निकलता है, जो सूखी पत्तियाँ हैं वो गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग करके जो सूखी पत्तियाँ हैं उनका हम खाद के रूप में खेती में उपयोग कर लेते हैं। वो जो आवासों की साफ सफाई है वो कम से कम केमिकल का उपयोग करके करते हैं, ताकि पर्यावरण हमारा स्वच्छ रहे। जो उससे जल बाहर निकल के भूमि में जाता है उससे पर्यावरण स्वच्छ रहे। परिसर का वातावरण एकदम हरियाली युक्त रखने के लिए हम वृक्षारोपण और उसका संवर्धन और संरक्षण कर रहे हैं। इसके लिए हम समय समय पर विभिन्न प्रकार के वृक्षारोपण के कार्यक्रम करते हैं। हमारे एनसीसी के जो कैडेट है वो वृक्षारोपण और उसके संवर्धन के लिए केवल परिसर में ही कार्य नहीं करते, अपितु अलग अलग स्थानों पर जाकर वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं। आज के समय में वाहनों में ईंधन के रूप में पेट्रोल और डीजल का उपयोग हो रहा है, जो किसी न किसी प्रकार से प्रदूषण, वायु प्रदूषण का कार्य करते हैं। इसके लिए हमने अपने परिसर में एक सीएनजी प्लांट है और इस सीएनजी प्लांट के माध्यम से हम अपने परिसर में 2 गाड़ियों का उपयोग सीएनजी के रूप में कर रहे हैं। हमारे परिसर में जलावन के रूप में हम लकड़ी का प्रयोग करते हैं, चूँकि कहीं ना कहीं लकड़ी के जलने से पर्यावरण प्रभावित होता है, तो इससे निजात पाने के लिए या पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए हम भी जो योगदान दे रहे हैं उसके अंतर्गत हमारे पास एक बड़ी गौशाला है और उस गौशाला से हमें पर्याप्त मात्रा में गोबर में उपलब्ध हो जाता है, तो उस गोबर को हम गोबर गैस में भी प्रयोग कर लेते हैं और कंडे भी बना लेते हैं। उसके बाद जो बचता है मटेरियल तो उससे हम गौकास्ट बनाते हैं। गौकास्ट एक तरह की लकड़ी होती है जो गोबर से ही बनती है, तो इससे पर्यावरण को किसी तरह की कोई क्षति नहीं होती, कोई नुकसान नहीं होता है, तो बड़ी मात्रा में हम इसका भी हम लोगों ने उत्पादन शुरू कर दिया है। पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो हम जल संरक्षण की भी बात करते हैं। इसके लिए हमने अपने छात्रावासों की छतों से जो उतरने वाला पानी है उसका उपयोग हम सीधे सीधे ट्यूबवेल के जल स्तर को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था करके रखी है। पर्यावरण संरक्षण में केवल प्राकृतिक ही पर्यावरण नहीं होता, अपितु सांस्कृतिक पर्यावरण भी इसमें सम्मिलित है और हम सांस्कृतिक पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन के लिए शारदा विहार में विभिन्न प्रकार के आयोजन और कार्यक्रम, उत्सव, जयंती आदि मनाते हैं।